हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिश न्यूज चैनल पर। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये है 2 फीट का एंटीना और यहाँ पर हमने एक छोटी LNB की जगह बड़ी LNB लगा दी है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें, ये है LNB सी बैंड की है। सी बैंड की LNB आपके 2 फीट एंटीना पर काम नहीं करती, लेकिन कुछ सैटेलाइट हैं जहाँ पर कुछ चैनल्स आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि आपको यह LNB लेनी चाहिए। और बहुत से लोगों का मेरे पास बार बार कमेंट भी ये भी आया कि पार्क सेट को एक बार ट्रैक करके देखें कि 2 फीट एंटीना पर ट्रैक होता है कि नहीं होता है। हमने इसके रिगार्डिंग काफ़ी टाइम पहले भी वीडियो बनाई थी, जब हम सेटिंग की काफ़ी वीडियो बनाते थे उस टाइम सारे एक्सपेरिमेंट करके वीडियो बना चुके हैं और हमें पता है किस चीज़ को लेने का फ़ायदा है, किस चीज़ का नहीं। अगर आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ बहुत से यूज़र्स क्या करते हैं, जल्दबाजी में वीडियो ना देखते हुए कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं और उसका कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो कंप्लीट वीडियो देखिए अगर कुछ काम करना है तो। देखिए अभी यह जो LNB लगाई हुई है, यह है 12K की है। अगर आप इस प्रकार की स्केलर रिंग की LNB लेंगे तो 10K की LNB साथ में मिलेगी, स्केलर रिंग साथ होता है। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो यह 550 से 600 रुपये में मिल जाती है। सॉलिड सेल की वेबसाइट है solid.sell, तो वहां से यह परचेज की जा सकती है। लेकिन परचेज करने से पहले वीडियो कंप्लीट देख लीजिए ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज हम देखेंगे कि पार्क सेट को कैसे सेट करेंगे 2 फीट एंटीना पर। बहुत से कमेंट इसी के रिगार्डिंग आ रहे थे, चलिए देख लेते हैं। यह जो LNB है इसकी प्लेट इस साइड है, यहाँ पर, इसका मतलब है पार्क सेट की जो सेटिंग होगी LNB की वह इस प्रकार रहेगी। अगर हमें एशिया सेट 7 लगाना है इस LNB से तो इसकी जो ये प्लेट है साइड की वो नीचे की तरफ आ जाएगी। चलिए अब देखते हैं DB मीटर में किस प्रकार सेटिंग करेंगे। अगर आपके पास DB मीटर नहीं है तो आप अपने सेटअप बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आज तक हमने सेटअप बॉक्स के द्वारा ही सेटिंग की है। अब देखेंगे कि सेटिंग कैसे होगी। अभी ये एंटीना किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मुझे भी नहीं पता। अगर आपको 38 डिग्री डायरेक्शन देखनी है तो सबसे पहले तो DD फ्रिडिस चेक कीजिए किस डायरेक्शन में है। यहाँ पर हम ये देखेंगे, ये है DD फ्रिडिस इस डायरेक्शन में और वो है 75 की डायरेक्शन। 75 से आपको थोड़ा सा और मूव करना होगा जिससे 38 डिग्री मिल जाए। अभी हम जो TP बताएंगे उनमें आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 2 TP हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अभी TV स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, एक फ्रिक्वेंसी ये है जैसा कि स्क्रीन पर देखा जा सकता है 4093 वर्टिकल 2400, और एक फ्रीक्वेंसी ऊपर आप देख पाएंगे फर्स्ट नंबर पर 4004 वर्टिकल 1 4×5। यहाँ फ्रीक्वेंसी को नोट कर लीजिए। तो आप कोई भी फ्रीक्वेंसी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ये लगी हुई है, इस पर ही सिग्नल देख लेते हैं। अभी हम एंटीना अपना मूव करेंगे 38 डिग्री डायरेक्शन में, अंदाजे से आपको कर लेना है और फिर लेफ़्ट राइट करके देखना है कि सिग्नल कहाँ पर मिलते हैं। अब 38 डिग्री डायरेक्शन हमारी इस तरफ मिलेगी, तो इस एंटीना को अंदाजे से इस प्रकार कर लेना है और एंटीना को धीरे धीरे अप डाउन करके देखना है। अगर इस डायरेक्शन में नहीं आती तो थोड़ा सा लेफ़्ट कीजिए या राइट, एक बार लेफ़्ट करके देखना है और फिर राइट करके देखना है। जिस तरफ भी सिग्नल मिल जाए तो उस तरफ पर लॉक कर देना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एंटीना लूज़ कर लेते हैं। और इस डायरेक्शन में हमें करके देखना है कि कहाँ पर सिग्नल मिल रहे हैं। आराम आराम से कीजिए और एंटीना थोड़ा सा इस प्रकार खड़ा रहेगा डाउन में। यहाँ पर सिग्नल नहीं है तो हम थोड़ा सा राइट साइड में करके देखते हैं, हल्का सा राइट साइड में कीजिए और फिर दोबारा डाउन। अरे यहाँ पर हमारे पास सिग्नल आ चुके हैं। जैसे ही एंटीना नीचे करेंगे देखिए 38% 37 सिग्नल आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको इस फ्रीक्वेंसी पर लेकर चलता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे, मैं अब एंटीना मूव करने वाला हूँ, ये सिग्नल है 60%। जहाँ पर भी सिग्नल आपके ज़्यादा हो तो उसे लॉक कर दीजिए वहीं पर। सिक्सटी परसेंट से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, चलिए मैं एक बार इसको लॉक कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ी सेटिंग करके इसको लॉक कर देते हैं। तो हमने एंटीना अपना लॉक कर दिया है ताकि मूव ना हो। यहाँ देख सकते हैं 60% सिग्नल है और एंटीना इस प्रकार रहेगा। पोजीशन देख सकते हैं, एंटीना बिल्कुल थोड़ा सीधा से थोड़ा सा पीछे की तरफ है।
तो इस प्रकार सेटिंग करना आसान है 2 फीट एंटीना पर, लेकिन 2 फीट एंटीना पर अब देखते हैं कितने चैनल मिलेंगे। अगर हम स्कैनिंग की बात करें तो मैंने स्कैन कर लिया है। स्कैनिंग करने के बाद हमें चैनल देखते हैं कितने मिले हैं, मैं आपको दिखा दूँ। तो चैनल्स हैं टोटल 7, तो टोटल 7 चैनल मिले हैं। सबसे पहला है पैगाम टीवी के नाम से, उसके बाद है पीटीवी होम, फिर पीटीवी न्यूज़, पीटीवी का ये पीटीवी स्पोर्ट्स। पीटीवी स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड में फ़िलहाल चला हुआ है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि चलता रहेगा। यहाँ पीटीवी वर्ल्ड है, फिर पीटीवी स्पोर्ट्स एसडी में। तो ये टोटल 7 चैनल मिलते हैं केवल 2 फीट एंटीना पर। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जहां पर ये चैनल मिल रहे हैं हो सकता है जल्द ही इन्हें लॉक कर दिया जाए, क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स के चैनल हैं ये कभी फ्री टू एयर आपको देखने को नहीं मिलते। हो सकता है ये 2-4 चैनल हैं वो देखने को मिलते रहें। लेकिन एक चीज़ और है, सर्दियों में सिग्नल थोड़े से इंक्रीज देखने को मिलते हैं जबकि गर्मियों में कम हो जाते हैं। तो अगर आप ये LNB लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से कोई भी बेनिफिट नहीं है इस प्रकार की LNB लेने का। 2 फीट एंटीना पर सी बैंड का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, केवल इसके साथ एशिया सेट को छोड़कर उस पर भी 10-15 चैनल ही मिलेंगे, वो भी किसी काम के नहीं है। तो इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सी बैंड का एंटीना लेते हैं तो कम से कम 6 फीट का लीजिए, उस पर ही आपको प्रॉपर चैनल मिलेंगे देखने लायक। अगर इसकी पाक सेट की कवरेज की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया इसका कवरेज है, और मैंने जो 2 फ्रीक्वेंसी दी हैं उनमें से कोई भी लगाकर चेक कर सकते हैं, आपका सैटेलाइट ट्रैक हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।